भूख क्या होती है साहब, हमने पढ़ाई पुस्तकों में नहीं पढ़ी। गरीबी क्या होती है, पुस्तकों में नहीं पढ़ी, अनुभव किया है जीवन में। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाना। आज लोग कहते हैं, जब ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुनाता है ना, तो कथा आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में कथा से परिवर्तन हुआ है, बताइए कितने लोग हैं आप में से? इतने लोग हैं, देख लो आप, हजारों लोग हाथ उठा रहे हैं। यदि वाणी, ये दास अनिरुद्ध की वाणी आपको बदलने पर मजबूर करती है, तो केवल इसलिए कि मैं केवल लिखी बात नहीं सुनाता, जो जीवन का अनुभव है वो अनुभव भी उसमें डाल करके आपको समझाता हूं कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो पढ़ी बात नहीं है। एक होता है पढ़ा हुआ, पढ़ा और बोल दिया, नहीं, पढ़े हुए को जीवन में अनुभव करके देखना पड़ता है। कॉलेज यूनिवर्सिटियां हमें वो नहीं सिखा सकती जो समय सिखाता है, और मैं हर समय से गुजरा हूं। आपकी उम्र बहुत होगी साहब मेरे से ज्यादा, लेकिन जो जीवन में मैंने अनुभव पाया है शायद आपकी उम्र ज्यादा हो, पर मैंने जीवन में पैसे नहीं अनुभव कमाया है, और वही अनुभव आप तक पहुंचाता हूं। आप अपने बेटों को योग्य बनाइए और गरीबी से डरिए मत। गरीबी आपके जीवन में यदि है तो वो अवसर है बनने का। कर लो मजबूत अपनी भुजाओं को। जितना स्ट्रगल, जितनी मेहनत मैंने की है, उस मेहनत ने, उस स्ट्रगल ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि सामान्य तूफान आके चले जाते हैं, बाल भी बांका नहीं कर सकते। बड़े बड़े तूफान आते हैं साहब, बाल भी बांका नहीं करते, क्योंकि आदत है उन तूफानों से लड़ने की।